मामा माणिक चंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास द्वारा ग्वालियर में आग पत्रकार देवऋषि नारद जयंती पर पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय को श्रेष्ठ प्रवासी पत्रकार के सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि जड़ों से जुड़े बिना पत्रकारिता संभव नहीं है। आग पत्रकार देवऋषि नारद की जयंती पर हर साल की तरह इस साल भी मामा माणिक चंद्र वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 14 श्रेणियों में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। गोष्ठी के मुख्य वक्ता विजय मनोहर तिवारी ने आजादी से पहले की पत्रकारिता और आज के दौर की पत्रकारिता में आए बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि खबरों के पीछे भागना पत्रकारिता नहीं है, सही खबरों को समाज तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो लंबे समय रहना चाहते हैं तो उनको भारत के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। मैंने जो याद यहाँ कहा है नारद जयंती के अवसर पर, वो यही है कि जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। मीडिया के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि जो भारत के हैं वो भारत की जड़ों से जुड़े। भारत की जड़ों से जुड़ने के लिए ये जरूरी है कि अपना इतिहास जाने। बिना अपने यहाँ इतिहास बने हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी इमारत की तरह बढ़ रहे हैं जिसकी कोई नींव ही नहीं है। तो अपनी नींव बनाने के लिए अपना इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। मामा माणिक चंद्र वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास पत्रकार सम्मान समारोह के आयोजक बलराम सोनी ने बताया कि यह उनके द्वारा दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोनी ने अपनी पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि आगे भी इस प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश तिवारी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंद्रापुरकर भी मंचासीन रहे। ये मामा माणिक चंद वाजपेयी सेवा स्मृति न्यास का ये 20वां आयोजन था। इस पूरे आयोजन का श्रेय मैं पूरी पूरी टीम को देता हूँ। जो मेरे साथ पूरी टीम थी, 8 समितियाँ थी जिसमें एक चयन समिति अलग थी, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया का भी बहुत सहयोग मिलेगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में बहुत सराहनीय भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।